यह है हमारी धरती। इसके चारों तरफ एटमॉस्फेयर का एक लेयर है जो कि ग्रेविटी के कारण अर्थ के साथ बंधा हुआ है, और ये एटमॉस्फेयर जो है ये चूंकि ग्रेविटी के कारण बंधा हुआ है तो ये धरती पे एक प्रेशर एग्जर्ट करता है। जैसे कि मान ले एक कंटेनर में अगर हम लिक्विड रखते हैं तो इस लिक्विड को अर्थ ग्रेविटी के कारण अपने तरफ खींचेगा, और इसके कारण इस लिक्विड के हर एक पॉइंट में एग्जिस्ट करेगा प्रेशर। उसी तरह से एटमॉस्फेयर में भी हर एक पॉइंट में एग्जिस्ट करता है एक प्रेशर। इसे सबसे पहली बार मेजर करने के लिए डिवाइस बनाया था इटालियन फिजिसिस्ट एवांजेलिस्टा टॉरिसेली ने, और उन्होंने जो डिवाइस बनाया था उसे सिंपल मर्क्यूरी बैरोमीटर कहा जाता है। देखिए ये जो बार शब्द है इसका मतलब होता है प्रेशर, सो बैरोमीटर मतलब प्रेशर मेजर करने वाला, बैरोमीटर प्रेशर मेजर करने वाला डिवाइस। चूंकि इस डिवाइस में मर्क्यूरी को यूज किया जाता था इसीलिए इसे मर्क्यूरी बैरोमीटर कहा जाता है। चलिए देखते हैं उन्होंने क्या किया था। उन्होंने एक कंटेनर में लिया था मर्क्यूरी, और फिर उन्होंने एक एक तरफ ओपन एक ग्लास ट्यूब लिया। देखिए यहां से ये ओपन है और यहां से ये क्लोज्ड है, और उसमें उन्होंने मर्क्यूरी फिल कर लिया। अब उन्होंने इसे इस ट्यूब को उन्होंने डिप कर दिया इस कंटेनर में। इससे हुआ क्या, इससे इस ट्यूब का मर्क्यूरी धीरे धीरे नीचे आ गया और एक जगह आके ये रुक गया। उन्होंने ये पाया कि ये जो हाइट है मर्क्यूरी कॉलम का जो हाइट है, ये हाइट उन्होंने पाया कि ये है 760 मिलीमीटर या फिर कहें 76 सेंटीमीटर। उन्होंने ये पाया कि ट्यूब चाहे कितना भी लंबा हो, ये जो लिक्विड कॉलम होगा, ये जो मर्क्यूरी का कॉलम होगा, ये इस सरफेस से 760 मिलीमीटर ऊपर ही होगा। उन्होंने ये कहा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 760 मिलीमीटर मर्क्यूरी कॉलम का प्रेशर के बराबर है। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए हमें पता है किसी भी लिक्विड का अगर वो स्टैटिक हो, रुका हुआ हो, कन्फाइंड हो, तो उस लिक्विड में सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम होता है। अब यहां पर इस जगह पे जो प्रेशर होगा उतना ही प्रेशर होगा इस जगह में भी। अब यहां जो प्रेशर होगा वो किस कारण होगा, वो एटमॉस्फेयर के कारण होगा, एटमॉस्फेयर इस सरफेस में जितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा हो। चूंकि यहां पर मर्क्यूरी कॉलम जो है ये पहले पूरी तरह से भरा हुआ था, अब ये धीरे धीरे नीचे आया तो यहां पर नियर वैक्यूम बनता है। ऑल्दो यहां पर कुछ मर्क्यूरी वेपर होता है लेकिन उसका अमाउंट बहुत बहुत कम है, सो इसे हम नियर वैक्यूम मान सकते हैं। हम ये मान सकते हैं कि ये जो मर्क्यूरी वेपर है ये इस कॉलम के ऊपर जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा वो नेग्लिजिबली स्मॉल है, तो इस चीज को अभी हम इग्नोर कर सकते हैं, ये जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा उसे। तो फिर देखे यहां पर इस लिक्विड कॉलम के कारण जो प्रेशर होगा वो प्रेशर किसके बराबर होगा, वो होगा 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी के कारण। मर्क्यूरी 760 मिलीमीटर का मर्क्यूरी कॉलम जो होगा उसके कारण जो प्रेशर होगा उसके बराबर होगा, तो इस जगह पे जो प्रेशर है उसके बराबर है। अब इस प्रेशर के बराबर होना है जो कि है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो हम कह सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है अगर हम पी ए से इसे डिनोट करें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम। फिर इससे आगे इससे रिलेटेड एक यूनिट भी बनाया गया कि एक मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम, एक मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम, इसे नाम दिया गया वन टॉर, टी ओ आर आर। ये टॉरिसेली से ही आया है टॉर।
तो हम ये कह सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ये बराबर है 760 टॉर के. लेकिन ये जो है ये एसआई यूनिट नहीं है. सो दिस इज नॉट एन एसआई यूनिट. तो फिर अगर हम इसे एसआई यूनिट में कन्वर्ट करें और ये पता करने की कोशिश करें कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, तो चलिए देखते हैं हम कैसे पता करेंगे. यहां पर देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम के बराबर है. मतलब 760 मिलीमीटर का मर्क्यूरी कॉलम अपने बॉटम में जितना प्रेशर एग्जर्ट करेगा उसके बराबर हमें पता है. वैसे स्थिति में एक मान ले कंटेनर है, एक कंटेनर, और इसमें एच हाइट तक अगर कोई लिक्विड फिल्ड है जिस लिक्विड का डेंसिटी रो है, तो ये अपने बॉटम में जो प्रेशर एग्जर्ट करता है ये प्रेशर बराबर होता है एच रो जी के. जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो यहां पर 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम का जो प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा, चलिए देख लेते हैं. वो होगा एच जो कि होगा 760 मिलीमीटर, रो जो कि होगा मर्क्यूरी का डेंसिटी, इंटू जी जो कि होगा जिस जगह पे हम प्रेशर मेजर कर रहे हैं वहां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो यहां पर जैसे कि हमने देखा एच इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर, इसे हम कह सकते हैं 0.76 मीटर क्योंकि हम एसआई यूनिट में इसे मेजर करेंगे. और ये रो जो है डेंसिटी, मैं आपको बता दूं मर्क्यूरी के लिए डेंसिटी होता है 13.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर. इसे अगर किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट हमें करना है तो इसी को 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा. सो दिस विल बिकम 13,600 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर. और जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये जो है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है सी लेवल के लिए है. तो अब देखिए यहां पर अगर वैल्यूज हम पुट करते हैं तो प्रेशर कितना निकल के आता है. सबसे पहले 0.76 मीटर इंटू 13,600 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसे कैलकुलेट करें तो ये नियरली होता है 1.013 इंटू 10^5. और इन यूनिट्स को देखें अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें इन तीनों को तो हमें मिलेगा न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, जो कि ऑब्वियसली जो कि होना चाहिए प्रेशर का यूनिट. और इसी को न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, इसी को कहा जाता है पास्कल. सो 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 1 पास्कल. सो यहां से हम कहेंगे इट इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10^5 इतना पास्कल. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है सी लेवल में ये इसके बराबर होता है 1.013 इंटू 10^5 पास्कल के. फिर धीरे धीरे हमने और भी डिवाइसेस, मॉडर्न डिवाइसेस बनाया जिससे कि हमें ये पता चला कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो बराबर है, और प्रिसाइजली कहें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1.01325 इंटू 10^5 इतना पास्कल के. तो ये था सिंपल मर्क्यूरी बैरोमीटर जिसे कि बनाया था इवांजेलिस्ता टॉरिसेली ने. अब अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि ओपन ट्यूब मैनोमीटर क्या होता है, जिस वीडियो का लिंक आपको स्क्रीन में दिख जाएगा. यहां क्लिक करके आप उस वीडियो को जरूर से देख लें. अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि इस पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा. तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा. मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें. गुड बाय.